Assalamu alaikum, class. This is Altaf Imad Kuplachi, and I welcome to all of you in Altaf's online academy. Yesterday, we studied present to have, and now we are moving forward towards the second tense, which is past to have. have present to have और आज हम पास टू हैव की तरफ मूव कर रहे हैं अब एक बात आपको दोबारा से क्लियर करता चलूँ कि टू बी टू बी टेंस बी बी का मतलब होता है कोई चीज़ होना टू बी टेंस कुछ होना दिखाते हैं कहीं पर होना लोकेशन एग्जिस्टेंस जैसे मैंने बताया एग्जिस्टेंस के माने भी होना लोकेशन बताएंगे तो भी वहाँ पर कोई चीज़ होगी स्टेटस या पोजीशन बताएंगे तब भी कोई शख्स कुछ होगा डॉक्टर होगा इंजीनियर होगा वकील होगा सियासतदान होगा ये स्टेटस है यानी होना टू बी वर्ब्स कुछ होना दिखाते हैं ठीक हो गया अब टू हैव जो वर्ब्स हैं ये कुछ पास होना दिखाते हैं यानी मेरे पास कुछ है ठीक है अब कल हमने प्रेजेंट टू हैव पढ़ा था आज हम पास टू हैव पढ़ रहे हैं अब प्रेजेंट टू हैव की तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें थीं जिनमें से वो मराहल से गुजर कर हमें कन्फर्म होता है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट टू हैव का है अब पास टू हैव का जब हमें कन्फर्म करना हो कि सेंटेंस पास टू हैव का है तो उसकी भी तीन निशानियाँ हैं सबसे पहले आप ये देख लें या ये, दे, ये देख लें बातें की है तो सबसे पहले अगर आप इसको रखते हैं तब भी पास टू हैव सबसे पहले क्या है? दिखाता क्या है वो दिखाता है पजेशन पास्ट टू हैव क्या दिखाता है पजेशन हैव की माने भी है कोई चीज़ पास होना ठीक है पोजीशन हैव दिखाता है पोजीशन जब हम कहते हैं ना प्रेजेंट टू हैव इसका मतलब है कोई चीज़ पास होना लेकिन कब प्रेजेंट का मतलब अभी के वक्त में जब हम कहते हैं ना पास टू हैव इसका मतलब भी होता है कोई चीज़ पास होना लेकिन कब पास्ट में गुजरे हुए कल में और जब हम कहते हैं फ्यूचर टू हैव इसका मतलब भी होता है कोई चीज़ पास होना लेकिन कब फ्यूचर में ठीक हो गया वेरी सिंपल है तो ये पजेशन दिखाता है दूसरा पास टू हैव की निशानी क्या है नो एक्शन वर्ब जब हम कहते हैं ना टू बी वर्ब टू बी वर्ब का मतलब है वो सिर्फ कुछ होना दिखाते हैं कुछ करना नहीं दिखाते एक्शन नहीं होता जब हम कहते हैं टू हैव है वर्ब तो ये कुछ पास होना दिखाते हैं कोई एक्शन नहीं दिखाते इनमें भी एक्शन वर्ब इसलिए नहीं होता है अच्छा अब उसके बाद अगर हम आते हैं तो इसकी सिंबल एन उर्दू उर्दू में इसकी सिंबल क्या है अगर हम उर्दू में सेंटेंस देखेंगे तो सबसे पहली चीज़ हम ये देखेंगे उसमें एक्शन वर्ब ना हो वो पोजिशन दिखा रहा हो उसके बाद अगर सेंटेंस उर्दू में है तो उसमें लिखा हुआ हो पास था पूरे सेंटेंस में कहीं भी लिखा हो पास था अब ये देखें प्रेजेंट में था पास है अब देखें पास वाला वर्ड सेम ही है क्योंकि टू हैव है वो प्रेजेंट था तो है था अब पास्ट है तो था आ गया ये था थी थी सिर्फ ये चेंज हो गया कल था पास है अब है हो गया पास था फ्यूचर में क्या हो जाएगा पास होगा वेरी सिंपल ठीक है फार्मूला यही है पास था पास थे पास थी पास था का मतलब वो मेरे पास था मेरे पास बुक थी हमारे पास किताब थे वो हमारे आ, आ, वो आ, हमारे बैंक अकाउंट में थी ठीक है हमारे पास थी मतलब हमारे बैंक अकाउंट में थी तो ये है उर्दू में होगा तो इन में से कोई निशानी उसमें यूज़ होगी अगर सेंटेंस सिंधी में है और उसमें एक्शन वर्ब भी नहीं है दिखा भी पोजिशन रहा है तो फिर उसमें ये होगा खे या वट हो अब ये जो मैं स्लैश की निशानी देता हूँ इसका मतलब होता है इंग्लिश में आर ओ आर या या, या उसमें लिखा होगा खे हो या लिखा होगा वट हो खे हुई वट हुई खे होया या वट होया वेरी सिंपल अब प्रेजेंट में था खे आहे, अब हो गया खे हुयो प्रेजेंट में था खे आहे या खे आहन अब यहाँ पर हो गया खे हुई वगैरह वगैरह ठीक हो गया अच्छा अब अगर इसकी इंग्लिश में जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो इसकी इंग्लिश की जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो क्या हैं हमारे पास इंग्लिश में इसकी हेल्पिंग वर्ब्स हैं सिर्फ एक ही है याद रख लें जिस ए, टेंस की या जिस वर्ब की टू हैव या टू बी वर्ब की दो निशानियाँ लिखी हों तो फिर हम पढ़ते हैं कौन सा हेल्पिंग वर्ब किस सब्जेक्ट के साथ यूज़ होता है मिसाल के तौर पर जैसे कल था हैव और हैज़ दो निशानियाँ ना फिर हमने देखा कि हैव किसके साथ लगता है हैज़ किस सब्जेक्ट्स के साथ लगता है लेकिन जहाँ पर है ही एक हेड तो इसका मतलब है वो सब के साथ लगेगा ठीक हो गया अब दूसरी चीज़ ये है कि अब मैंने इसके साथ ब्रेकेट में डिड है, है। वहाँ पर जैसे डू हैव या डज हैव इस्तेमाल हो रहा था ना यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस अगर होगा आई रिपीट अगर पॉजिटिव सेंटेंस होगा पास्ट टू हैव का तो सिर्फ आपने उसके साथ हेल्पिंग वर्ब में यूज़ करना है हैड ठीक है पॉजिटिव में ये इस्तेमाल डिड या हैव इस्तेमाल नहीं होगा अगर हम उस सेंटेंस को नेगेटिव इंटेरोगेटिव या इंटेरोगेटिव नेगेटिव में कन्वर्ट कर रहे हैं किस सेंटेंस को पास टू हैव के सेंटेंस को जब हम नेगेटिव इंटेरोगेटिव या इंटेरोगेटिव नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो फिर क्या होगा फिर उसमें दो हेल्पिंग वर्ब हो जाएंगे एक होगा डिड दूसरा होगा हैव यानी हेल्पिंग वर्ब एक ही होगा दो वर्ड्स पर मुश्तमिल होगा तो हम हेल्प एक क्वेश्चन बनाने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब बाहर निकालते हैं वो ये होगा और जो अंदर रहेगा वो ये होगा अब कैसे ये हम फॉर्मेशन में सीखते हैं ठीक है अब फॉर्मेशन ए स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस ऑफ द पास टू हैव टेंस और पास टू हैव वर्ब अच्छा सबसे पहले आते पॉजिटिव अगर सेंटेंस पॉजिटिव का है उसमें एक्शन वर्ब नहीं है वो पोजिशन दिखा रहा है और ये निशानी भी हमें मिल गई है तो पॉजिटिव का सेंटेंस है तो सबसे पहले हम रखेंगे सेंटेंस में सब्जेक्ट उसके बाद हम रखेंगे हेल्पिंग वर्ब अब हेल्पिंग वर्ब कौन सा हैड पॉजिटिव में सिर्फ और सिर्फ ये इस्तेमाल होगा सब्जेक्ट भले कुछ भी हो आई वी यू ही शी इट दे सिंगुलर या प्लूरल नाउन सब्जेक्ट में कुछ भी हो हेल्पिंग वर्ब में लगेगा हैड अच्छा ऑब्जेक्ट में जो होगा वो रखेंगे अगर उसी सेंटेंस को हम नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा सब्जेक्ट के बाद डिड लगेगा डिड के बाद नाट लगेगा नाट के बाद हैव लगेगा अब देखें अब पास्ट की निशानी वैसे होती है हेड लेकिन जब हम नेगेटिव में कन्वर्ट कर रहे हैं तो जब डिड लग गया ना तो अब हमें पता लग गया ये नेगेटिव का पास्ट का सेंटेंस है अब दोबारा हमें यहाँ हेड लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पर डिड लग गया ना तो अब ये हेड है, जो था ना ये वापस कन्वर्ट हो जाएगा फर्स्ट फॉर्म में यानी हैव में डिड लगेगा तो यहाँ हैव हो जाएगा अब ऊपर देखें यहाँ पर डिड नहीं लगा रहा इसलिए डायरेक्ट क्या लगेगा हेड लगेगा अच्छा डिड नाट हैव प्लस ऑब्जेक्ट अब अगर इंटेरोगेटिव का सेंटेंस है और पास टू हैव का है तो सबसे पहले लगेगा डिड उसके बाद लगेगा सब्जेक्ट सब्जेक्ट के बाद लगेगा हैव क्योंकि डिड आ गया तो यहाँ पर हैव उसके बाद लगेगा ऑब्जेक्ट ठीक हो गया अच्छा अगर सेंटेंस है इंटेरोगेटिव और नेगेटिव का तो सबसे पहले आप रखेंगे डिड उसके बाद रखेंगे सब्जेक्ट सब्जेक्ट के बाद रखेंगे नाट नाट के बाद होगा दोबारा हैव लेकिन डिड लगा हुआ है हैड नहीं होगा हैव होगा उसके बाद ऑब्जेक्ट आखिर में क्वेश्चन मार्क क्योंकि इंटेरोगेटिव और नेगेटिव का सेंटेंस है ठीक हो गया अच्छा आप देखें आप पहला जब मैंने आपको टू बी सिखाया था ना पहला टेंस आपको सीखने में थोड़ा मुश्किल लगी होगी क्योंकि वो फर्स्ट था अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस टेंस की फॉर्मेशन की पटड़ी पर चढ़ चुके होंगे अब आपको टेंस समझने में होपफुली इतनी ज़्यादा देर नहीं लग रही होगी क्योंकि आप की बुनियाद आपको अगर समझ आ गई तो आपको अब आप टेंशन नहीं हो रही होगी ठीक है अगर हो रही है तो आहिस्ता आहिस्ता ये भी इंशाल्लाह कवर होती चली जाएगी जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे जितना ज़्यादा आप सुनेंगे सीखेंगे अच्छा उसके बाद आते हैं अब मिसाल के तौर पर इसका मैंने उर्दू में सेंटेंस लिखा है उसके पास कलम था अच्छा अब यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे अब हमें उर्दू में फॉर एग्जांपल सेंटेंस मिला अब हमने इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले इसको मैच करेंगे किस टेंस का है अब अब देखेंगे इसमें एक्शन वर्ब है कोई एक्शन वर्ब नहीं है तो ये चीज़ हमें मिल गई मैच हो गई पास्ट टू हैव से अब देखेंगे क्या वो पजेशन दिखा रहा है अब यहाँ पर आप देखें पास था पास होना मैंने पजेशन ठीक है ये पजेसन दिखा रहा है और था लिखा हो यानी पास्ट टू हैव हो गया पोजिशन मने टू हैव था मने पास्ट अगर ये पास होता इधर है था तो ये था पजेशन किस में टू हैव में हो जाता प्रेजेंट में लेकिन अब था है तो पास्ट में हो गया ठीक है अब ये तीसरी चीज़ भी हमें मिल गई ये भी हमें मिल गया ये देखिए पास था लिखा हुआ है ना तो ये निशानी भी हमें मिल गई तो अब हम कंफर्म हो गए कि ये सेंटेंस पास्ट टू हैव का है ठीक अगर सिंधी में आपको सेंटेंस मिला है तो उसमें लिखा हुन वट पेन हुय अब ये देखें वट अब ये चीज़ें तो दोनों में सेम है ना एक्शन वर्ब नहीं होगा पोजिशन होगी अब वट माने पोजिशन दिखा रहा है एक्शन वर्ब भी नहीं है अब दूसरा है होयो अब यहाँ पर आप देखें ये वट यानी ये ये चीज़ भी मैच हो गई अब हमें कंफर्म हो गया कि जो सेंटेंस है ये पास्ट टू तो हैव का है अब इसको कन्वर्ट करना है इंग्लिश में अब ये पॉजिटिव में है अब मैंने देखें सेम सेंटेंस लिखा है जो प्रेजेंट में मैंने लिखा था ना उसी सेम सेंटेंस को मैंने पास्ट में कन्वर्ट किया दिया है उसमें मैंने लिखा था उसके पास कलम है अब यहाँ पर है की जगह आ गया था बाकी सेम है वो था प्रेजेंट टू हैव अब सिर्फ हो गया पास टू हैव बस अच्छा अब पॉजिटिव का है पास टू हैव का है सबसे पहले क्या रखें सब्जेक्ट अब ये देखें इसका सब्जेक्ट हमने रखा ही उसके बाद हेल्पिंग वर्ब अब पॉजिटिव में मैंने आपको बताया हेल्पिंग वर्ब सिर्फ हेड लगेगा अब ये हो गया हेड उसके बाद ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आब इसका है पेन आप पेन हो गया सेंटेंस आपका कन्वर्ट अब सेम सेंटेंस को अगर आप नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट ही उसके बाद डिड ये सबके साथ ये लगेगा डिड उसके बाद नाट उसके बाद हैव उसके बाद ऑब्जेक्ट है जो भी है पेन ये हो गया कन्वर्ट आपका सेंटेंस अब अगर इंटेरोगेटिव में तो सबसे पहले डिड डिड अब अगर डिड के अलावा कुछ और लग सकता होता तो मैं आपको बताता आप सबके साथ डिड ही लगेगा अगर पास टू है और इंटेरोगेटिव है तो डिड उसके बाद सब्जेक्ट सब्जेक्ट है इसका ही उसके बाद हैव उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है आप पेन सेंटेंस हो गया अब अगर इंटेरोगेटिव और, और नेगेटिव में है तो सबसे पहले डिड सब्जेक्ट ही नाट उसके बाद हैव यहाँ पर आ गया हैव उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है हमारा ऑब्जेक्ट आप पेन क्वेश्चन मार्क ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया आपका सेंटेंस ठीक है होपफुली आपको ये टेंस समझ में आ गया होगा अच्छा अब आगे चलते हैं आज फाइव टू तो फिफ्टीन स्केल के लिए जो मैं ए, चीज़ लिख के आया हूँ वो है वर्ड्स एंड देयर एंटानम्स अब ये इनकी फाइव मार्क्स दी गई हैं आपके इंग्लिश पोर्शन में फाइव टू तो फिफ्टीन की टेस्ट में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ठीक है ना अब देखिए मैं डेली वाइज पर चेंज करता जा रहा हूँ एक दिन सेनानम फिर प्रीपोजिशन स्पेल करेक्शन अब एंटाना अब ये पोर्शन जब हम कवर कर जाएंगे तो फिर मैं आपको कराऊंगा सेंटेंस स्ट्रक्चर वो मैं थोड़ा आगे इसलिए भी रख रहा हूँ जब आपको टेंसेस समझ में आएंगे ना तो सेंटेंस स्ट्रक्चर फिर आपको समझ में आएगी ऐसे नहीं आएगी क्योंकि सेंटेंस स्ट्रक्चर में ताल्लुक ही टेंसेस का होता है सेंटेंस स्ट्रक्चर और एरर डिटेक्शन एक ही बात को कहते हैं तो इसमें कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि सर ने हमें एरर डिटेक्शन तो कहा ही नहीं है सेंटेंस स्ट्रक्चर और एरर डिटेक्शन एक ही चीज होती है वो करते क्या है सेंटेंस स्ट्रक्चर में ही वो इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर में गलती कर देते हैं तो वहां पर क्या हो जाता है एरर हो जाता है उसको कहते हैं एरर डिटेक्शन दोनों एक ही चीजें अच्छा उसके बाद एरर रीडिंग कॉम्प्रिहशन भी है वो भी आपको कराऊंगा लेकिन वो भी आपको तब समझ आएगी जब टेंसेस uh, समझ में आएंगे आपको टेंसेस समझ में आएंगे आप सेंटेंस को कन्वर्ट कर पाएंगे उर्दू या सिंधी में तब आपको uh, उसकी कॉम्प्रिहशन आएगी ना तो थोड़ा सब्र करें इंशाल्लाह सारी चीजें आपकी टेस्ट होने से पहले मैं रिपीट कर रहा हूं आप टेंशन ना लें इंशाल्लाह आपकी टेस्ट होने से पहले आपको ये सारी चीजें कवर करा दी जाएंगी ठीक हो गया अच्छा आज है हमारे पास वर्ड्स एंड देयर एंटानम्स अब वर्ड्स एंड देयर एंटानम्स में क्या क्या है सबसे पहला वर्ड अब अच्छा एंटानम्स क्या होते हैं एंटानम का मतलब होता है अपोजिट वर्ड्स वो वर्ड अब ये वर्ड लिखे हुए हैं इनकी अपोजिट मीनिंग वाला वर्ड यानी ये जो मीनिंग है इनकी उलट मीनिंग वाला वर्ड यहां पर होगा अच्छा ये तीसरे पोर्शन में लिखा है मीनिंग ऑफ दी वर्ड्स अब ये जो मैंने मीनिंग लिखी है ना वो इन वर्ड्स की लिखी है मैंने तो अब इनकी जो मैंने मीनिंग लिखी है जाहिर बात है ये जो इनका अपोजिट है तो इसकी मीनिंग भी इसकी अपोजिट ही होगी ना इनकी मीनिंग इसके अपोजिट होगी ये मीनिंग है इनकी ठीक हो गया अच्छा अब सबसे पहला आज का जो हमारे पास वर्ड है वो है हारमोनी अब हारमनी का मतलब होता है मोहब्बत ठीक है ना मोहब्बत अब इसका जो एंटानम है या अपोजिट मीनिंग भी इसको कहते हैं अपोजिट मीनिंग वर्ड या अपोजिट वर्ड भी कहते हैं इसको वो इसका क्या है स्ट्राइफ ठीक है ना वो इसका है स्ट्राइफ इस यहां पर मैंने गलती कर दिया स्ट्राइफ ठीक है स्ट्राइफ की माने होती है मतलब झगड़ा अब देखें ना हारमनी की माने मोहब्बत है मोहब्बत का उलट क्या होगा नफरत झगड़ा ठीक है ना तो हारमनी का उलट या एंटानम वर्ड क्या है स्ट्राइफ अच्छा उसके बाद हमारे पास सेकंड वर्ड है फलेंथ्रापिस्ट फलेंथ्रापिस्ट का मतलब होता है दूसरों को फ़ायदा पहुंचाने वाला या इसको कहते हैं इंसान दोस्त यानी इंसानियत के नाते जो दूसरों को फ़ायदा पहुंचाता हो ना इंसान उसको कहते हैं फ्लान फलेंथ्रापोस्ट सॉरी फलें थ्रोपिस्ट अब फलेंथ्रापिस्ट जैसे हमारे पास था अब्दुल सत्तार अब्दुलसतारीदी फलेंथ्रोपिस्ट था वो उसका झाती किसी में कोई काम नहीं होता था वो इंसानियत के नाते दूसरों की मदद करता था ऐसे इंसान को कहते हैं फ्लैंथ्रोपिस्ट अब फ्लैंथ्रोपिस्ट का जो उलट मीनिंग वर्ड है या अपोजिट मीनिंग वर्ड है या जो एंटानम है वो है माइज़र अब माइज़र की माने होती है दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाला या कंजूस यानी सिर्फ़ और सिर्फ खुदगर्ज अपना सोचने वाला माइज़र की माने है अच्छा तीसरा हमारे पास आज का वर्ड है इंटेलिजिबल अब इंटेलिजिबल की माने है समझने के काबिल ठीक है वो इंसान या वो चीज़ जो समझने के काबिल हो उसको हम कहते हैं इंटेलिजिबल या जैसे कहते हैं ना वो इंसान इस चीज़ को समझने के काबिल है तो हम कहते हैं ही इज़ इंटेलिजिबल फॉर इट वो इंसान इस चीज़ को समझने के काबिल है अब इंटेलिजिबल की माने समझने के काबिल इसका अपोजिट मीनिंग वर्ड क्या है कन्फ्यूज अब कन्फ्यूज की माने आपको पता है जो समझना समझने से कासिर हो यानी जो कन्फ्यूज हो यो जो समझ ना सकता उसको कहते हैं ही इज़ अ कन्फ्यूज अच्छा आज का चौथा वर्ड हमारे पास है एडमोनिश अब एडमोनिश की माने बेहिमत करना किसी का दिल तोड़ना अब दिल तोड़ने का मतलब एक तो मोहब्बत में दिल तोड़ना होता है ना ठीक है वो तोड़ना नहीं ये दिल तोड़ने का मतलब है मिसाल के तौर पर एक इंसान कहता है मैं सी एस एस करूँगा मैं पी सी एस करूँगा मैं डॉक्टर बनूंगा इंजीनियर बनूंगा और सामने से उससे कोई कमेंट मिले कि भाई नहीं तुम ये ऐसा नहीं कर सकते यानी उसने उसका दिल ही तोड़ दिया उसकी हिम्मत ही तोड़ दी उसने हालांकि हमें सामने वाले को हिम्मत देनी चाहिए कि क्यों नहीं भाई तुम कर सकते हो इस तरीके के दिल तोड़ने को यानी हिम्मत के तोड़ने को इंग्लिश में कहते हैं एडमोनिश ठीक है ना एडमोनिश का जो उलट मीनिंग वर्ड है वो है प्रेस अब प्रेज़ की माने क्या है एडमोनिश माने किसी को बेहिमत करना किसी की हिम्मत को तोड़ना प्रेज़ की माने उसकी तारीफ़ करना उसकी हिम्मत बंधाना अब जैसे आपको किसी ने कहा कि भाई मैं जो है ना आर्मी में ऑफिसर बनना चाहता हूँ आप उसको कहें हाँ भाई क्यों नहीं तुम बन सकते हो तुम मेहनत करो तुम बन सकते हो यानी तुम उसकी ये क्या कर रहे हो प्रेज़ कर रहे हो कि तुम्हारे पास इतने गट्स हैं तुम्हारे पास एबिलिटी है तुम्हारे पास सलाहियत है अल्लाह ने तुम्हें अक्ल दी है तुम क्यों नहीं कर सकते तुम कर सकते हो तो आप उसकी प्रेज कर रहे हो अगर आप उसका दिल तोड़ रहे हो उसकी हिम्मत तोड़ रहे हो तो फिर आप उसको एडमोनिश कर रहे हो ठीक हो गया अच्छा अब पाँचवा वर्ड है मिथ इसको कहते हैं मिथ अब मिथ की माने है झूठ या ख्याली बात अच्छा मिथ कैसे अब आपको इसका मैं मिसाल दूँ झूठ या ख्याली बात कैसे किसको कहते हैं यानी वो बात जो लोगों में आम हो लेकिन वो हकीकत ना हो झूठी हो ठीक है ना अब जैसे शुरू शुरू में कोविड नाइन्टीन आया कोरोना वायरस आया तो लोगों ने कहा कि भाई ये ऐसी बीमारी है कि जो है ना इसको टच करने से बढ़ती है ये चीज़ें हैं वो चीज़ें हैं ये तो एक साइंटिफिकल पॉइंट ऑफ व्यू है ना ठीक है अब इसके साथ कुछ और चीज़ें भी पॉइंट ऑफ व्यू जो है ना वो ऐड कर दिए गए कोरोना के साथ अब ये जो साइंटिफिकली प्रूव्ड चीज़ें हैं कि भाई टच करने से हमने सोशल डिस्टेंस भी रख लिया सारा कुछ हो गया ये तो प्रूव्ड थी इसके साथ जो सुपरस्टिशंस ऐड की गई थी ना लोगों ने कुछ और बातें भी अपनी तरफ से ऐड कर दी थी ना ठीक है कि ये हवा में भी फैलता है हवा के फैलने से भी हो जाता है वगैरह वगैरह तो वो ख्याली बातें दी झूठी बातें दी ऐसी बातों को जिनका साइंस से अक्ल से कोई ताल्लुक ना हो उनके कहते हैं मिथ ये ख्याली बातें हैं झूठी बातें हैं अब ये ख्याली बातों का जो अपोजिट मीनिंग वर्ड होगा वो क्या होगा फैक्ट यानी सच्ची बात हकीकत सच ठीक अब हमारे पास आज का छठा वर्ड है क्रिटिसाइज़ अब क्रिटिसाइज़ की माने होती है तनकीद करना यानी किसी की बात को गलत कहना उसकी चाहे बात सही हो चाहे गलत हो उस पर तनकीद करना उस पर उसको गलत कहना ठीक है अब क्रिटिसाइज़ का जो अपोजिट मीनिंग वर्ड है वो है कमेंड यानी उसकी तारीफ करना तनकीद करना इसका उलट क्या है तारीफ करना अब कोई आदमी काम कर रहा है आप कह रहे नहीं यार तुम अच्छा काम कर रहे हो तो आप उसको कमेंड कर रहे हो अब कोई आदमी काम कर रहा है तुम कह रहे हो उसके कीड़े निकाल रहे हो उसमें जैसे कहते हैं ना कीड़े निकालना तुम उसमें कीड़े निकाले हो यार तुमने ये क्या किया है तुमने गलत तरीके से किया तो फिर आप क्रिटिसाइज़ कर रहे हो अच्छा उसके बाद नंबर सेवन्थ वर्ड है हमारे पास माइग्रेट अब माइग्रेट की माने होती है हिजरत करना अब हिजरत करने का मतलब होता है कि मूव फ्राम वन प्लेस टू अनदर एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर जाना उसको हिजरत करते हैं मिसाल के तौर पर मैं मीरपुर माथेलो सिटी में रहता हूँ अब यहाँ से मैं कराची मूव कर जाऊँ यहाँ से मैं हैदराबाद मूव कर जाऊँ यहाँ से मैं इस्लामाबाद मूव कर जाऊँ ठीक है ना अच्छा एक दो दिन के लिए जाऊँ उसको हिजरत नहीं कहते हफ्ते दो हफ़्ते के लिए जाऊँ उसको भी हिजरत नहीं कहते महीने दो महीने के लिए घूमने जाऊँ उसको भी हिजरत नहीं कहते जब यहाँ से मैं अपना सारा सामान ले जाऊँ मुकम्मल तौर पर शिफ्ट हो जाऊँ किसी और जगह कि मैंने अब बस रहना ही यहीं है परमानेंट उसको कहते हैं हिजरत अब जैसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का शरीफ से मदीना शरीफ हिजरत की और आपको पता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी वक्त तक फिर मदीना शरीफ में ही रहे मक्का फिर आते थे हज करने के लिए आए थे लेकिन फिर दोबारा कभी मक्का में परमानेंट कयाम आपने नहीं किया तो परमानेंटली कहीं पर दूसरी जगह शिफ्ट हो जाना मूव हो जाना उसको कहते हैं हिजरत करना उसकी इंग्लिश होती है माइग्रेट इसका अपोजिट जो है या एंटानम जो है इसका वो है रिटर्न इसके माने कहीं चले जाना रिटर्न की माने कहीं से वापस आ जाना ये उलट है ना इसका तो माइग्रेट की माने कहीं पर चले जाना रिटर्न इसका अपोजिट है इसकी माने कहीं से वापस आ जाना ये माइग्रेट और इसका है रिटर्न माइग्रेट माने जाना और रिटर्न की माने कहीं से वापस आ जाना अच्छा आज आ, 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 आज का हमारा आखिरी वर्ड और वर्ड न, एंटानम में आखिरी जो वर्ड है हमारा वो है ऑस्ट्रेसाइज ऑस्ट्रेसाइज का मतलब होता है निकालना अब निकालने की माने होती है फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने किसी को निकाल दिया शहर बदर कर दिया कमरे से निकाल दिया दिल से निकाल दिया किसी जगह से मैंने आउट कर दिया उसको निकाल दिया ठीक है और उसका अपोज़िट है हमारे पास वेलकम यानी किसी को वेलकम करना खुश आमदीद करना ठीक है ना उसकी आमद को खुश करना कि भाई ठीक है तो माशाला आ जाओ तुम एक है हम निकाल रहे हैं दूसरा हम वेलकम कर रहे हैं तो ऑस्ट्रे का जो अदर एंटानम है वो है वेलकम अच्छा एक और बात मैं आप सबको बताता चलूँ ये जो मैं आपको वर्ड्स और एंटानम्स पढ़ा रहा हूँ ना ये मैं ऐसे कोई नहीं किसी किताब से उठा रहा हूँ या किसी पी से उठा रहा हूँ या ऐसे ही मैं आपको बस कहीं से निकाल के दे रहा हूँ बिल्कुल भी नहीं ये मैं आपको इम्पॉर्टेंट वर्ड सिर्फ करवा रहा हूँ जो एक्सपेक्टेड हैं कि वो आपकी टेस्ट में आएंगे अब हमें कैसे एक्सपेक्टेड है क्योंकि अलहमदिल्ला हम टीचर हैं हमारा दस साल से ऊपर का तजर्बा है तो हमें अंदाज़ा होता है कि कौन से वर्ड्स आ सकते हैं मैंने निचली सतह से लेकर सी एस एस लेवल तक एग्ज़ाम दिए हुए हैं तो अलहमदिल्ला इतना तजर्बा है कि किस लेवल के कौन से वर्ड्स वो आपको दे सकते हैं तो हमने कोशिश की है मैंने कोशिश की है कि मैंने सिर्फ वही वर्ड निकालें जो आपको एग्ज़ाम में प्रॉबेबल हैं मोस्ट एक्सपेक्टेबल हैं वो वर्ड निकाल दिए हैं तो जो वर्ड्स या जो वर्ड जो चीज़ें मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ वो इंतहाई ध्यान से पढ़ें गौर से पढ़ें उनका रट्टा लगा लें आप क्योंकि ये चीज़ें इनशाला होपफुली आपको एग्ज़ाम में काम आएंगी ये चीज़ें आपके एग्ज़ाम में आएंगी ठीक है आज का आप, आपका लेक्चर यहीं तक इंशाल्लाह इससे आगे हम कल चलेंगे थैंक यू वेरी मच